मई को 4.8 एफएसआई मिलने पर शिवसेना का आभार प्रदर्शन कार्यक्रम। शिवसेना उप जिला प्रमुख किशोर पाटकर ने मंत्री एकनाथ शिंदे का जताया आभार। किशोर पाटकर ने वार्षिक के बैंकेट हॉल में आभार प्रदर्शन समारोह का आयोजन किया था। बता दें कि किशोर पाटकर पिछले कई सालों से नवंबई की धोखादायक इमारतों के पुनर्निर्माण के लिए सरकार से प्रॉपर मैकेनिज्म की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि पहले के नियमों की वजह से कई इमारतों को पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं मिल रही थी। ऐसे में नवंबई के 5 लाख लोग धोखादायक इमारतों में रहने को मजबूर थे। अब नवंबई को मंत्री एकनाथ शिंदे ने 4.8 एफएसआई देकर उनकी जान बचाने का काम किया है। किशोर पाटकर ने कहा कि कई इमारतें ऐसी हैं जहां सड़क बनाई ही नहीं जा सकती, कई इमारतों में पार्किंग की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। ऐसे में मनपा अपनी पार्किंग बनाकर लोगों को राहत देती है तो नवंबई की उन इमारतों का पुनर्निर्माण भी हो जाएगा और पार्किंग की भी समस्या नहीं होगी। इस अवसर पर एकनाथ शिंदे ने किशोर पाटकर की तारीफ करते हुए उन्हें एक मेहनती कार्यकर्ता बताया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने सिर्फ लोगों से वादे किए, लेकिन हमारी सरकार ने काम करके दिखा दिया है। ही लड़ाई 20-22 वर्षापासून जी चालूच होती, एक अडचण सॉल्व केली तर दुसरी करायचे, दुसरी केली तर तिसरे करायचे, तिसरी केली तर चौथी करायचे, हा एपिसोडच चालू होता त्रासांचा। पण ज्यावेळेला माननीय पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, आता देव माझ्यावर प्रसन्न झाले, आमच्या पक्षाचे साहेब पालकमंत्री आणि नगरविकास मंत्री म्हणून आले, मी साहेबांना सांगितलं साहेब बघा एवढा अन्याय आहे, त्या माणसानी मला डायरेक्ट ॲक्सेस दिला, बोला हे अधिकाऱ्यांना बस ह्याला सांग तुला काय त्रास होतो, नाही झालं तर मला सांग आणि त्याचा परिणाम बघा। आज 3 महिन्यात जे 30-25 वर्ष रखडलेले काम आज 3 महिन्यात आम्हाला बांधकाम परवानगी मिळाली आहे। गेल्या हप्त्यात 1 मिळाली, आज 2 मिळाले, पुढच्या 10 दिवसांनी परत 2 आहेत। आता हे जे धोकादायक इमारतीमध्ये राहणारे लोक आहेत, मी यांच्या त्याच घरात जातो, माझी आई अजून जेएनवनमध्ये जाते, आज तितकी लोकं आतुरतेने वाट बघत होती, कधी अपेक्षा येईल, किशोर कधी घर बांधेल, आम्ही कधी आमच्या चांगल्या घरी जाणार, आज त्यांचं स्वप्न साकार होणार आहे। आता लोकांनी आपसात भांडू नये, नाही तर आता भरलेलं ताट पण खाता येणार नाही, कारण हा अपेक्षा आणला, लोकांचं बांधकाम परवानगी झालं तर आम्हाला मतदान होणार नाही, म्हणून आता परत आपसात भांडणं लावण्यात येतील, तेव्हा लोकांनी सावध राहावं। बता दें कि नवंबई महानगरपालिका के चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे में सभी पार्टियां मतदाताओं को लुभाने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं। इसी के तहत शिवसेना ने 4.8 एफएसआई देकर बीजेपी को जवाब देने की कोशिश की है। इस अवसर पर ठाणे के सांसद राजन विचारे, शिवसेना उपनेता विजय नाहटा, जिला प्रमुख विठल मोरे, जिला प्रमुख द्वारिकानाथ भोईर, पूर्व नगर सेवक सुरेश कुलकर्णी समेत शिवसेना के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।